वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्तम न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः प्रश्न प्रश्न आया है, ऐसा प्रश्न बनता नहीं भाई। कहते हैं हम किसी बिना कैसे मानते हैं, हम किसी को बुरा कैसे मानते हैं, कैसे बुरा चाहते हैं, कैसे बुरा करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा। अब ये कोई बात सीखो, ये कोई बात पढ़े, कोई विवेचन करना इसका। किसी को बुरा न समझे, सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं को चाहे जैसी भावना तैसा ही फल हो।
किसी को पूछ रहा हो तो एकांत पूछ लो, मेरे समझ में नहीं आया किसी को कैसे बुरा मानते है, कैसे बुरा चाहते है, कैसे बुरा करते है, बताओ अब बताओ क्या इसे विवेचन करो। आप लोग समझ आए तो आप पूछो, आप बोलो कि इसका तात्पर्य ये है, फिर मैं बताऊंगा अब बताओ तात्पर्य का। कैसे बुरा मानते है, कैसे बुरा चाहते है, कैसे बुरा करते है, अपने जीवन की बात है। तो किसी को बुरा मानते, किसी को बुरा मानते है, आप सभी अब कैसे क्या होता है उसमें, पूछने का आशय क्या है, जानना क्या चाहते है, वो बात बताओ, फिर बताएंगे बात बताएंगे बोलो। नारायण 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 नारायण, इस बात से बचा हुआ कोई भी शायद होगा, ऐसी अपनी अनुभूति है, ऐसे सब बात को जानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं, किसी को भला मानते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, किसी का भला चाहते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, ये तो आपकी दिनचर्या है। इन बताओ क्या क्या शंका है, बताओ आप बताओ, कोई बताओ क्या शंका है, वो देखो सोई से करे ये तो अपने जीवन की बात है, इधर नई बात क्या करो बताओ, जीवन का क्या आशय है वो बताओ, उससे जिसमें मिले देखो। सिद्धांत ये है, सब जग ईश्वर रूप है, मनो गुरु नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हुए। सब जग ईश्वर रूप है, कोई भला बुरा नहीं है, भला और बुरा ये संसार की भावना है, वास्तव में कोई ना भला है ना बुरा है। अब ईश्वर भी किसी को बुरा लगता है, किसी को भला लगता है, फिर भक्तों को दर्शन दे उन्हों को अच्छा लगता है, राक्षसों को उन्हों को बुरा लगता है, ऐसे संसार है, किसी कोई बुरा लगता है, किसी कोई बुरा लगता है, अपने स्वार्थ में भाग लेते हैं बुरा लगता है, हमारे सहायता करता है भला लगता है, हमारे प्रतिकूल चलता है बुरा लगता है, हमारा अनुकूल चलता है भला लगता है। इसे पूछने की बात क्या है, मैं समझा नहीं, बताओ कोई समझाओ, कोई समझा लो, पूछने वाला आशय क्या है, दूसरी बात आई कि हम जो दुकान करते हैं उसमें जीव पड़ जाते हैं, तो भी सावधानी रखो, घर में भी बहुत जीव आ जाते हैं, तो जितनी सफाई स्वच्छता निर्मलता रखोगे उतने जीव जंतु कम पड़ेंगे, रसोई रसोई के सामान में कई जीव पड़ जाते हैं, तो बिना सफाई रखे स्वच्छता रखे निर्मलता रखे सावधानी दे देंगे, ऐसे करे तो ठीक हो जाता है। ऐसे दुकानदार को भी सावधानी चाहिए, इमाम क्या बताओ, सावधानी रखो, कोई दोष न आए, कोई हिंसा न हो, कोई अच्छा न हो, अपना जीवन शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ, ये बात है। कोई हमारी बुराई करता है तो वो बुरा समझता है, कोई हमारी भलाई करता है तो बुरा समझता है, हमारे बुरा चाहता है तो हमारे बुरा लगता है, बुराई करता है तो बुरा लगता है, ये तो सीधी सादी बात है। व्याख्या क्या करें बताओ, क्या 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 करें बताओ, आप कोई पूछो व्याख्या, मैं समझ में आ जाएगी बात करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो
आप समझ में नहीं आया तो बड़ी बात है, आपको कोई बुरा लगता ही नहीं, आपकी हम बुरा चाहते ही नहीं, आप किसी को बुरा करते ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, भगवान भंत बन जाओगे, कल्याण हो जाएगा, कर्मयोग बन जाओगे, स्वतम योग उचित हो जाएगी, बड़ी श्रेष्ठ बात हो जाएगी। एक आदमी बुराई करता है और एक आदमी भलाई करता है और एक आदमी किसी का बुरा नहीं चाहता है, किसी की बुराई नहीं करता है, किसी को बुरा नहीं मानता है, तो ये साधन बहुत दामी है। इसकी इतनी महिमा है कि त्रिलोकी के साथ हमारा संबंध हो जाता है, हमारी दृष्टि में कोई बुरा है ही नहीं, सब जग ईश्वर रूप साक्षात भगवान है, इसलिए बुराई दिखे तो ऊपर आई हुई है, भीतर वही परमात्मा ही है। जैसे कोई स्नान करता है तो स्नान घर में प्राय दर्पण रहता है, तो अपने साबुन लगाता है तो साबुन का चेहरा देखा जाए तो बड़े फुफोला दिखते, लकीरें निकली है फुफोला ऐसा दिखता है, डबद्दा रूप दिखता है, पर पानी डालते साफ हो जाता है, तो दिखते हुए भी आदमी दुखी नहीं होता, तो नहीं होता कि ये हमारे में है नहीं, ये स्वप्न स्वप्न साबुन लगा उसे झाल उसे दिखता है। ऐसे संसार में बुरा कोई दिखता है, कोई बुरा काम करता है ऐसा दिखता है, पर वास्तव में परमात्मा की तरफ जाने में सब एक हो जाते हैं। मिट्टी के बर्तन कई तरह के दिखते हैं, अच्छे दिखते, मंदे दिखते, अस्त्र शस्त्र कई तरह के दिखते हैं, दिखते दिखते माटी हो जाते हैं, ऐसे बड़ा बुरा दुखी सबका सब एक हो जाता है। इस वास्ते हमारे भाव को हम शुद्ध रखें, ये मतलब इसका, अपना भाव खराब न करे, मेरा न करे, मेरे को बात समझा दो, बात कहूंगा समझा दो, मेरे को समझा दो, क्या समझो, नारायण 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 नारायण, किसी को ऐसा पता ही नहीं है कि बुराई क्या होती है भलाई क्या होती है। सहयोगी हिदवा पशु गुरु कहा है कि अच्छा मंदा जिसको पता नहीं होता, कहते हैं योगी का है पशु सभा, वो मनुष्य नहीं है, जिसको ये पता ना हो भला क्या है बुरा क्या, वो मनुष्य नहीं है, सत्तर जीवन है हमारा अनिष्ट क्या है, वो बुरा भीतर में गुरु दुगुण दुराचार करता है, काम है क्रोध है लोभ है, उसमें बसी होकर व्यवसाय करता है, अनाचार करता है, अत्याचार करता है, ऐसा करता है वो बुरा है, नियत किसी की अच्छी नहीं है वो बुरा है, जिसकी नियत दूसरे से करने की वो बुरा नहीं है। भाई बहनों को सावधान रहना चाहिए, बड़े सावचेत, अभी कलयुग की बड़ी विचित्र परिस्थिति है, क्या आज की बात, आज की घटना, कोई बहन वो यहाँ ही होगा, वो गणेश जी के दर्शन के लिए उठ गई, तो ये आदमी मेरा, वो कोई गणेश जी का आदमी तो ऐसा नहीं, आदमी मेरा उनके तेरे पास धीरे धीरे सर से मरूंगा मैं, वो दो से चिल्लाई तो भाग गया। आज भी अभी घटना सुने तो
ऐसी जगह जगह होता है, ये क्या है, ये बुरा है, जो मारता है सब लूट लूंगा चाहे सब दे दे, ये बुरा है, खुदा नाराज हुई। तो बहनों माताओं को सावधान रहना चाहिए, कहीं जाए तो साथ में रखना चाहिए। मैं तो कोई मिलते देख दे, मैं कहता हूँ भाई तुम किसके साथ आई, ये साथ कौन है, क्योंकि आजकल का जमाना बड़ा खराब है। ऋषिकेश में भी कोई भाई अकेली आती है तो वो नहीं रखते भाई, रखते नहीं रखते, साथ में कौन आ जाए, कौन आया साथ में कैसा है। बहुत दुर्गम दुराचार घर है आज जगह जगह, इस वास्ते बड़ी सावधान रहो। मैंने उसे कह रहा है अब लोग बड़ी सावधानी साथ चलो, साथ में अपना खास आदमी घर का हो, कोई बहनों चार पास मिलकर भी ऐसे चलो। मेरी दो जी थी माँ बेटी दो थी, सुनू क्या समझे वो, इससे सावधान रहो, ये बुरा के छोरा लगे मार दो चार पास सुन दे दे, तुम बुरा है, अब ये बुरा ही है, इतना नहीं होता। तो जिस बैठो आप इतने यहाँ आते हैं तो कुछ भलाई के लिए जाते हैं, तो भलाई आप बहनों भाई सब जानते हैं ना, कि कोई भगवत संबंधी बात मिलेगी, अपने कल्याण की बात मिलेगी, अपने उद्धार की बात मिलेगी, ऐसी भावना से तो आते हैं आप, ये तो आते हैं भाई कोई बात बन जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई दंगा हो जाए, कोई मारपीट हो जाए, ऐसा तो सब अपने कल्याण की तरफ आते नहीं, लाभ हो जाए हमारे को, तो लाभ की तरफ जाना ये मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य की भूल होती है, और हम तो अपना उद्देश्य अच्छा बना लेने से उसका उद्धार होता है, लक्ष्य अपना अच्छा बना ले, मैं भाई किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी को बुरा नहीं चाहूंगा, अगर आप नहीं चाहते हैं, आपको पता नहीं है तो कोई हद नहीं, आपको पता ही नहीं है कि किसी को मैं बुरा समझता हूँ नहीं समझता हूँ पता नहीं, किसी को बुरा चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ पता नहीं, किसी को बुरा करता हूँ नहीं करता पता नहीं, तो कोई हद नहीं है। और ठीक है ये बात करनी है, नारायण नारायण नारायण। देखो भाई गीता में आया है एक आपनवंति मामेव सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र का हित करने में जिनकी प्रीति है वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि परमात्मा है और जो महात्मा है इन दोनों को यही कहा है कि शोधम सर्वदेही नाम शोधम सर्वभूता नाम, मात्र प्राणियों के लिए भी शोध होते हैं। उमा संत की यह बधाई मंद कर जो करे भलाई, रावण ने विभीषण को लात से मारा, तो कहे तुम पिता के समान बड़े भाई हो, भले को ही मारा पर राम भजे ये तो तुम्हारा, तुम्हारा आज भगवान के भजन से है तो ये भलाई है, तो लात से मारा ये बुराई है। तो साधक के लिए साधक वही करना है, परंतु कई कई जगह ऐसी बात है कि उसको अपने छोड़ना है, भाई बुराई को करता है तो अपने छोड़ दिया, अपने संग छोड़ दिया, संग छोड़ने में भी ये बात चाहिए कि मैं आपकी सेवा कर नहीं सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं आपकी सेवा करने की, इस वास्ते आप माफ करें, मैं आपसे छुट्टी लेता हूँ, फिर कोई देर में सामर्थ्य होगी तो सेवा करूंगा, और कुछ बात करे तो ऐसा देखो आप न करे, हृदय से भी ऐसा माने कि ये ऐसा न करते तो बड़ा अच्छा था, बड़ी सेवा है ये, जो अन्याय करता है अत्याचार करता है उसके विषय में एक आदमी विचार करे ये सज्जन ऐसा बुरा काम न करते तो बड़ा अच्छा था,
तेरी बुराई छूट जा, हे नाथ ये बुरा ना रहे, ऐसा भाव रखो अत्य शुद्ध हो जाएगा। पर ये तो सारे शुद्ध धर्म में भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई, पर ये तो कष्ट जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कसुराए, जिसके हृदय में दूसरों का हित निवास करता है, कि सबका हित हो जाए, सर्वे भगवान तो सुखिना, सबके सब सुख हो जाए, सर्वे संतु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण ही कल्याण देखे, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ये भावना है। आपको न दिखे तो परवाह नहीं, आपको बुराई का ज्ञान नहीं है, कोई बुरा ये ज्ञान नहीं है, बुरा करता है ज्ञान नहीं है, बुरा ज्ञान नहीं है, तो आप ये बात रखो, कृपा करके कोई बुरा न रहे संसार में, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सब का परमात्मा के भक्त हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब शेषाली बन जाए, हम भले कैसे बने, एक पुस्तक है, एक छोटी पुस्तक है, हम भले कैसे बने उसको पढ़ो, है ना। अच्छे बनो पुस्तक है, अच्छे बनो, अच्छे बनो तो मत बनो, अब अच्छे बनो सब तो अच्छे बने हुए, कब जब अच्छा बुरा दोनों का ज्ञान होगा तब ना अच्छे बनोगे, आपको ज्ञान ही नहीं अच्छा क्या बुरा क्या तो अच्छे कैसे बनाओगे, सब अच्छे बनो जैसे पुस्तक छोटी से, अब देखो उसमें ठीक हो जाएगा, अब बात समझ आ जाएगी, जहाँ रहे जिस क्षेत्र में आप हो उस क्षेत्र में सब सबसे प्रेम करो, ये आरंभ करो अपने कर्म से, अपने घरों में जैसे बहना है कुछ वो सास है, कोई जिठानी है, कोई देवरानी है, कोई नंद है, ये है कर्म, तो उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनको कष्ट पहुंचाओ, प्यारे बोलो, मीठे बोलो, हित करो, वो तुम्हारा बुरा भी करे, तुम्हारे दुख भी देवे, कष्ट बोले, गाली भी देवे, आज ऐसा रखने से घर में बड़ी शांति रहेगी, और एक एक बुरा करेगा तो घर में कलह होगी, घर वो नरक जो बन जाएगा, शब्द सब भाई बहनों से कहना है, आदेश है, जिसके हृदय में भला करने की बात बचती है वो भला हो ही जाता है, देखो बुराई करने के मन में होने पर भी वो शब्द की बुराई कर नहीं सकता, नहीं कर सकता, किसी का ही मंदा प्राप्त होगा तो उसके साथ बुराई करेगा, नहीं तो बुराई कर नहीं सकता, पर भलाई सब कर सकते, भला चाह सकते, तो पर हित बस लेने के मन में आए, पर हित सर इस धर्म ने भाई, ये रखो अपने, ये जो बात है बुरा क्या होता है क्या नहीं समझ आ जाएगा, अपने सबका हित हो, आई हू अनबल की रन राम, राम जी ने वैरक दई का भी अनबल नहीं किया, रावण को मार दिया पर रावण मार के लिए बेकुल भेजा, नरक नहीं भेजा, मार कर के भी भला किया, तो राम जी का चरित्र है किसी का भगत बनने आचर करना पड़े, करना पड़े तो कोई परवाह नहीं, नियत हमारी हो कि सब सुधर जाए, सब भगत बन जाए, ये सर्वभूत हित रता, ये बहुत ऊंची बात है, निर्गुण उपासना वालों के भी यही चाहिए और सगुण उपासना वालों के भी यही चाहिए, सगुण उपासना वाले प्राप्त होती मामे व सर्वभूत हित का
और जीवन लगन से ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीर कर्म सा छिन्न भेद हितात्मा सर्वभूति तीरता शुगुण की उपासना करो तो निर्गुण उपासना करो सबका हेतु ये भाव अपने भाव हो सगुण उपासना में हेतु हो जाएगी देव उपासना हेतु हो जाएगी संत होते हो में क्या भाव होता है यही भाव होता है भगवान का भाव यही होता है इस बात हेतु कही जग दुर्ग उपकारी बिना स्वार्थ के सबका हित करते है तुम तुम्हारा शिव एक भगवान और एक भगवान की भगत हेतु नहीं किसी कार से नहीं किसी स्वार्थ से नहीं किसी से दमकन से नहीं किसी को ठगने के लिए नहीं किसी को अच्छा बताने के लिए नहीं अपनी महिमा के लिए नहीं सब आगे तो आप अच्छे भरो पड़ पड़ हुआ मन की खटपट कैसे मिले इसमें एक पुस्तक ली है वो कोई पुस्तक के साथ में है कैसे ऐसी बहुत सी बातें हैं सत्संग में सुनने को मिलती है उनको आचरण में लाओ अपने काम में लाओ उसको वैसे अपना स्वभाव बढ़ाओ अपने ऐसी आदत बढ़ाओ स्वभाव अपना बढ़ने से सब संसार आपको अच्छा दिखेगा एक संत से पूछा मेरा संसार कैसा कि बच्चा आप जैसा आप अच्छे हो संसार से अच्छा है आप बोलो संसार बुरा है नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा आप युधिष्ठ का पक्ष लेते हैं दुर्योधन का पक्ष नहीं लेते तो पक्षपात करते हैं आप किसी को ही तो आए दिन बिता दुर्योधन का कहा कि भैया तुम ऐसे संसार में से एक भला आदमी ले आओ जो भला उस तरह था तो दुर्योधन खाली आ गया युधिष्ठिर ने कहा कि तुम युधिष्ठिर जाओ एक बुरा आदमी ले आओ युधिष्ठिर बुरा नहीं मिला नहीं दुर्योधन भला आदमी मिला नहीं दोनों खाली आ गई अर्थ क्या हुआ जो भला होता है उसे बुरा जीते नहीं कोई वो चश्मा ही उसे ऐसा चढ़ा हुआ होता है ठीक था है साक्षात परमात्मा के स्वरूप भाई हमें चश्मा सही है सर्वभूत हिते रहता सब प्राणियों में हित हो जाए हित में ही अपनी प्रीति है तो पराय हित करो आप वो समझ में आओ मत आओ ये बात पता नहीं कैसे की सेवा करना है तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से किसी पद से अधिकार से सेवा करना है क्या सेवा करने की वस्तु भी उसी की समझो जैसे कोई घर पर आ गया रोटी लेने के लिए वो घर उसी की समझ उसी रोटी दे दो अपने मेरी नहीं है किसी के जैसे घर का प्यार करके एक लड़की आ जाती है आपकी बहू आ जाती है तो वो अपने पांती गई अन्न खाती अपने पांती गई कपड़ा पहनती पांती मजा करती वो आ गई तो उसका उतना है वो तत्काल कोई आया तो एक रोटी का अधिकारी वो है तो एक रोटी का अधिकारी ऐसी समझ अपनी रोटी नहीं ये उसी की है ऐसे समझ बड़े प्रेम से आदर्श दे दे और मन में ये समझे कि हमारा कर्जा उतर गया हमें इसका पता नहीं था कि हमारे पर किस किस का कर्जा है और आ गया लेने वाला मुझे समझे किसका कर्जा था वो आ गया तो कर्जा उतर गया बड़ी अच्छी बड़ी कृपा करी जो लेने वाला आता है उसकी कृपा समझते हैं बिजनौर में एक कन्हैया भक्त थे ऐसी बात में सुनी सज्जनों से वो भगवान की भक्ति करते भजन करते थे कन्हैया भगत भक्ति कहते लोग धनी आदमी था वो रात्रि में डाकू आए पिस्तौल सामने करके खड़े हुए तो उसने पूछा कि आप क्या लेना चाहते हैं प्राण लेना चाहते हैं कि इज्जत लेना चाहते हैं कि धन लेना चाहते हैं
सुबह बात फैली वो कलेक्टर ने देखा कि ऐसी बात से करेगा डाका पड़ा रात्रि में तो कन्या को बुलाया अरे तेरे डाका पड़ा ना हमारा डाका पड़ा ही नहीं क्या हुआ कि ठाकुर जी को जरूरत थी नहीं तो आधी रात को क्यों चले आधी रात को जग करके आए तो उनको बहुत जरूरत थी क्या ठाकुर जी चीज है हम क्या करें हम ठाकुर जी चीज रखते है ले जाओ मना जब ठाकुर जी आए चीज चाहिए वो ले गए डाका भी लगाया तो बोलो ये भक्तों का है ये ऐसा नहीं कि आप ऐसा ही करो जितने ताकत हो वैसा करो नहीं तो कर सकोगे नहीं पर बात ऐसी है यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम हमारी वस्तु कोई ले जा सकता नहीं किसी में ताकत नहीं है कि हमारी वस्तु ले जाए जैसे हमारे को बुखार आता है तो हमारे को ही आता है वो बुखार हमारा बुखार आपको नहीं आएगा ऐसे हमारा धन जाता है तो उसी का है हमने कोई अन्याय पूर्वक किया है तो जाने वाला धन ही जाएगा एक चौधरी था उसी बात सुने रण में आया वो कहता बस कहते भाई बस दे दे भाव ही नहीं पूछता पैसे दे दे पैसे दे दिया धीरे धीरे दो दिन उसने पूछा दूसरे कि तू ही तो पूछ तो कम से कम क्या भाव देंगे क्या भाव मिलता है उसने पूछा तो वो बोला कि हमारी वस्तु है वो कोई ले नहीं सकता हमारी वस्तु वहाँ दे देगा और नहीं देगा तो वो हमारी वस्तु नहीं है नहीं तो हमारा कैसे सर सकता है परमात्मा के रहते हुए आया हो वो कहता बस दे दे भाई भाव ही नहीं पूछता कैसे दे दे पैसे दे दिया धीरे धीरे दो दिन उसने पूछा दूसरे कि तू ही तो पूछ कम से कम क्या भाव देंगे क्या भाव मिलता है उसने पूछा तो वो बोला कि हमारी वस्तु है वो कोई ले नहीं सकता हमारी वस्तु वहाँ दे देगा और नहीं देगा तो वो हमारी वस्तु नहीं है नहीं तो हमारा कैसे चल सकता है परमात्मा के रहते हुए हमारे हिस्से की वस्तु दूसरा कैसे ले सकता है तो दूसरे के हिस्सा केवल लेना ही नहीं है अपना हिस्सा अपने ले नहीं सकता दिन विश्वास है तो संसार में कोई ठगे कर नहीं सकता उसे सब जब ईश्वर रूप है ये बात सच्ची हो जाती है जब सद्भाव अपना होता है तो अपने राग ईर्ष्या पाखंड दिखाव इतना होता है तो सच्ची बात समझ नहीं आती ये दोनों दुराचार जो हो जाते हैं हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है सरल हो जाता है बात समझ में आ जाती है तो सबसे भी ईश्वर रूप है यदि सबकी सेवा करेगा अपने तन से मन से वचन से धन से अपनी योग्यता से अपने कोई पद मिला है राज का अधिकार मिला है उससे वही तो भाई ये कहानी आती है इसे हमने सुनी है कहानी होती है उसका अर्थ सच्चा होता है वो कहानी सच्ची और झूठी का नहीं है एक हाथी मर गया वो जमराज के वहां गया जमराज ने कहा तुम तो इतना बड़ा शरीर दिया तू एक मनुष्य वश में हो गया मुझ तो एक काम जितना तेरा जितना एक पग है इतना मनुष्य है उसमें तू वश में हो गया पग महाराज मनुष्य बड़ी बुरी बला है उसे वश हो जाए ठाकुर जी दुनिया वश में हो जाए तो हमारे तो बहुत आते हैं यहाँ सैकड़ों हजारों मुर्दा आते मुर्दा जिन महीने के बाद आते हैं कोई अच्छा जीता लाओ तो पता लगे
तो दूतों से कह दे रहे हैं आदमी लाओगे अपने जीता आदमी लियो तो लाकर मरने पर तो लाते ही हो एक ऐसा करो एक जीता आदमी लियो तो ये कायस्थ है ना मछर कहते हैं कायस्थ कहते ये पुस्तक में लिखा करते थे भगवान ने भी जय विजय जो पढ़िया है वो भी लिखते रहते हैं सब धर्मराज भी यहाँ हरेक पुरुष के साथ में आदमी रहते हैं भी कोई पाप करता है पुण्य करता है सब लिखते हैं सब लिखो चित्र विचित्र पढ़ा राण भी लिखे बोला सारी नहीं कुछ बोला करो भी अधूरी है कहीं सारी नहीं है चित्र विचित्र दो होता है तो सब विषय ऐसे करते हैं तो वैसा बताओ तो ये वो कायस्थ था पुस्तक लिख रहे का काम करते थे मथेरा भी कहते कायस्थ रहते तो वो रात के समय छात के ऊपर खाट डाले वर्ष होता था गर्मी के दिन थे तो दूता ने देखा रहे ये कांत पया है इस मोटा लोग कोई साथ में है नहीं वो देख रहा नहीं तो उस आगे ले गए उठा ले गए तो उसने देखा क्या बात है तो पुस्तक में लिखता था उसको पता लगे तो सब दूतों में लक्षण है ऐसे तो दूत हुआ करते है लिया करते है तो अपना कागज और पेंसिल लिखा उसने लिख दिया ये है हमारा मुनी माता है इसको काम सब सुना देना तुझे हमारा मुनी है कृष्ण साक्षात नारायण ऐसे भगवान दर्शन कर दिया अंधा लग दिया वहां जाकर फाड़ रखा तो पुर्जा दे दिया उसने पुर्जा दे दिया उसने जाकर धर्मराज को दे दिया धर्मराज ने देखा अच्छा आओ सामो तो बैठो हारमोनियम इसी अनुसार काम करना सभी कृष्ण साधारण तो महाराज ये पापी है पाप करने वाला है धोखा देने वाला है डाका डालने वाला है लोगों को दुख देने वाला है क्या किया जाए कहते बैकुंठ भेज दो तो महाराज जी हत्या करने वाला है स्कूट गड़े देने वाला है क्यों को धोखा दिया है ऐसा हत्या करा बैकुंठ भेज दो कहते ये स्त्री है महाराज जिसने पानी दूध में पानी मिला मिला कर इतना फायदा किया पैसा पैदा कर दिया सोना का पेट भर गया मरी हो गई मर गए क्या करें तो बैकुंठ भेज दो महाराज क्या भेज दो बैकुंठ भगवान ने कहा है मैंने भेजा है बैकुंठ भेज दिया तो बैकुंठ महाराज वो तो लाइन लग गई बहुत लोग कहाँ से आए कि मृत्यु लोग में कोई भक्त प्रकट हो गया क्या बात है जो इतना बैकुंठ में आ रहे हैं देखा भी तो संयमनी पुरी से आ रहे हैं धर्मा की वहां से आ गए तो भगवान ने देखा क्या बात कैसे आ रहे हैं इतने सब इतने पुण्यात्मा हो गए सब बैकुंठ के अधिकारी हो गए भगवान के पूछे बोलो तो धर्मराज से पूछा है सबको तुमने बैकुंठ कैसे भेजा मैंने नहीं भेजा महाराज ये आपका भगत है इसने भेजा है आपने जो भेजा था देखो उसे मैंने कब भेजा तो बोला कि महाराज मेरी ताकत है जीता हुआ जब आपने भेजा तब आया हूँ ये तो मैं आ सकता हूँ जहाँ किसी की मर्जी से धर्मपुर में चल सकता जीता क्या आपकी मर्जी से आया मैं आपने मेरा कौन ला सकता बताओ राम की आपने भेजा था तो फिर मैं ये क्या किया लगता क्या किया महाराज क्या आदर्श किया मैंने मैंने अर्ज किया ये थोड़ा दिन रहने वाली हमारी नीम की है तो मैं किसी को क्यों दुख देता आप भेजो भेजता हूँ मैं ऐसा दिन ये करना चाहिए ना कुछ हिसाब करना चाहिए तो ये महाराज आपके भगत क्या करते हैं आपके भगत लोग हिसाब करते सब लग जाओ सब भगवान भगत मान जाओ सब ऐसा करते वो काम हमने किया हम खराब किया तो खराब किया तो कोई बात नहीं है मेरी भूल है उनको पीछा बता दो उसे भेजो पास लेता दो परंतु गीता में लिखा है यदि नानी बर्तन थे तब धाम पर जैसे लौट कर पसर नहीं आते वो धाम मेरा इस गीता श्लोक को काटना पड़ेगा
ये भेज दो अरे पीछा क्या भेज देते हैं ये क्यों किया ऐसा क्यों क्या बना गीता मैंने कहा कि करो भूत ही तेरा साथ ही ब्राह्मण बन गए तो सब वो तो मैंने उनका हित चाहा का हित चाहा जिनको मैंने बैकुंठ में भेजा उनका बुरा चाहा गया मैंने बुरा तो नहीं चाहा तो मैंने भला ही काम किया ना तो भला काम करने सबको आप कहते हो तुम्हारे अपना जहाँ अपने माल वाले पक्ष आगे जो भला ही करो बुरे ही क्यों करो इस बात को मैंने भेज दिया महाराज तो कहते हैं ये कागज दिया मेरा नाम क्यों लिखा आप कहते हैं आप गीता में लिखा है सर्वस्य च अहम् हृदि सन्निविष्टः तस्मै ज्ञानमपोहनञ्च ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु निर्मलात्मनः तो आपने प्रेरणा की तो लिख दिया मुनि कोई निर्देश सेठ के कहने से तो वो सेठ का अगर होता है इस बात हृदय में आप हो गए नहीं शब्द हृदय में आप हो तो मेरी जब प्रेरणा हुई तो आपने किया तो धन्य क्यों ले लिया मैंने लिख दिया आपकी प्रेरणा समझ करके सभी बुलाया तो जाओ काम करो इसके दस दस आप मिलाओ आप लगा सब मिलता है भगवान कृष्ण को मिलता नहीं मेरा तो आपका ये आपने प्रेरणा करी मैं थोड़ी करता था मैं आप भी नहीं सुनता कर भी नहीं सुनते तो आपके काम है आपने भेजा यहाँ पर तो हो गया जो हो गया धर्मराज सब कहे ये कैसे ठगन हुई तो महाराज मैं क्या करूँ जमदूतों ने जार रखा उसे पूजा दे दिया कुछ वो कह देगा उठाओ तुम्हारे जगह इसको मिले को भेजो इसी तरह से काम करो आप काम दे दिया तो अब तू जा तो मैं जो बात क्या हुई तो हाथी बोला कि जयराम जी ने आप कैसे मनुष्य कैसा होता है मनुष्य कैसा होता है आपको कल्याण भगवान ने उत्तर कर दिया वो बड़ी दिल बुरा है मनुष्य इसमें बहुत दिल को शक्ति है अगर काम में लावे बिना का हित करे तो कितना हित कर सकता है इस बात महाराज एक आया आप सीता बुलाया जो देख लो आप उठा गई मैं चला दी भगवान को भी आना पड़ेगा आपको पर दोष हो पड़ेगा ऐसे मनुष्य होता है उसने ठीक है क्यों कह देता है कि महाराज ऐसा है उसने कहते हैं ऐसे काम क्यों किया महाराज क्या करना चाहिए मनुष्य जन्म पार करके मनुष्य को क्या करना चाहिए उद्धार करना लोगों का कल्याण करना तो भी मैं सब थोड़ा दिन रह गए ये साहिब रह भी नहीं तो मैं किस पुनर को मिलता मैं भला काम किया अगर आप ये बुरा समझते हो तो दंड देना हो तो आप इसी के भगत समझ लो सबके सब भगत आपका भजन करके आप धाम पहुँचाते हैं उनको सबको दंड दे हमारे को दे देना दंड क्या देगा तू जा तो अब जा जो जाऊँ कैसे यम प्राप्त करना निवर लेते तो धाम पर गीता में लिखा है जिसको प्राप्त हो रुपये लौट कर नहीं आता तो मैं प्राप्त हो गया नहीं आपको आपके दर्शन हुए नहीं हुए मैं पीछे जाऊँगा तो गीता में श्लोक निकालना पड़ेगा तो भाई यम प्राप्त करना निवर बनते श्लोक ठीक नहीं गीता में फिर गीता में श्लोक रखो तो मैं तो आपको साथ हो गया कैसा भाई तो चाल मेरे साथ में मैं अकेले कैसे चलूं जिस हाथी की कृपा से मैं आया वहाँ की दिशा चलेगा हाथी ने कहा कि इतने जीव है लड़कों मरे हुए ये अकेले मैं गाँव पर पड़े रहे सब लाके रहे अच्छे अपने सबको ले लो तो अच्छी नियत होती है ना तो भगवान भी हार जाते इतना देवत अच्छी है भाव अच्छा है कल्याण करने का भाव है इस तरह से दुनिया के हित करने का भाव अपने ऐसे कोई कोई अवसर भी होते हैं जो ऐसा अवसर था वो सब कोई दर्द नहीं देता मैं दर्द क्यों दू दर्द था कहेगा तो इससे मौका है तो दर्शन में कल्याण करो भाई आप लोगों को चाहिए कोई हो भगवान में लगा दो सत्संग में लगा दो गीता में लगा दो भगवान नाम में लगा दो अच्छी पुस्तक में लगा दो अच्छी पुस्तक रखो पास में पढ़ने वास्ते दो तो पढ़ लो पढ़ ली पूरी पढ़ ली पढ़ पूरी पढ़ दिया कुछ दे दो पूरी पढ़ लिख कर दे दो कुछ दे दो ऐसे प्रसार करो तो दुनिया का बड़ा भला होगा क्या खर्चा लगेगा नहीं भगवान शास्त्र पुस्तकों की प्रति अपने पास रखो भगवान सर्वभगवान चरित्र में रखो और देते रहो वो पढ़ देंगे वो ले लो बीज पुस्तक दे दो पूरी मुफ्त में कहने से लोग पढ़ते नहीं है
पर पढ़ने के लिए देना है, पूरी पढ़ लो ले लो, ऐसे आप लोग करो तो बहुत कल्याण की बात है। मैंने कहा उद्धार हो जाए, ऐसे भाई लोग भी जिन ऑफिस में रहते हैं उसकी पढ़ेंगे, पढ़ूंगी पढ़ ले लू चले बाबा हम लोग कोई बात नहीं। हम मोहन राम से प्रणाम, मोहन में भाई थे नहीं सजन चलो सत्संग सत्संग में चलोगे लाल जी राम जी छाया बता रहे चलो तुम करके चलते नहीं मोहन राम सज्जन थे सत्संग करा देते रामनाथ जी रामनाथ जी जादू थे। अच्छा अच्छा तो चलो चलो सत्संग में चलो भगत नहीं है मुझे तीन दिन कहेगा चलो सत्संग में चलो तो मैं चलो सत्संग करो और लाल जी छाया करते बताते थे में लग जाते थे वो अपने तो सत्संग में लगा हुआ ऐसे संत में सत्संग में ऐसे मूल वाले प्रसिद्ध थे अपने सत्संग सुनाते सत्संग सला आप सलो हमारे पास नहीं है ऐसे आज आज चलो कल आ जाऊ और चलो तो पीछे पड़ जाए लोग पापों का चुनाव इसे रोजाना कौन खावे सर्वभूत ही देवता सब कुछ ऐसे आगे आदमी होता भगवान में लगा तो जो जो भगवान में लगा जा तो इतनी मदद होता है। हम यदि भावना करें सब अच्छे को प्राप्ति हो जाए तो क्या सब अच्छे बन जाएंगे सब मेहता सब अच्छा बन जाओ तो सब अच्छा बन जाए तो बनने बनने का मतलब कर्मण्य का काम करने का अधिकार हो जाए अपना आधी बात है हल्की समझ करो ऐसा हो जाए नहीं हो जाए अपना बात अच्छी करो अपनी नियत अच्छी रखो सब कल्याण हो जाए। अब वे नहीं करे तो हम क्या करें हमारी नियत हमारे तो भला होगा नहीं सब नहीं हो तो हमारे भी तो राजी हो गया नहीं बताओ ये बताओ हम बातें सुनाते हैं सब कल्याण नहीं करे तो हम क्या करें हमारी नियत तो खराब है नहीं लड़कों में जाओ सरसला में जाओ कल्याण हो जाइए तो हमारा तो हमारे भाव का भी सर हुआ ऐसा भी भाव ऐसा कल्याण हो जाएगा भगवान कल्याण की कोई विशेष ऐसी नहीं है जो बड़ी कठिन बात है भगवान की तो खुली बात है खुल जाओ सब के लिए खुला जाट भजो भूजल भजो भाई भजो अहिल तुलसी रघुवर नाम सब गाँव वासी कोई हो भगवान में ले जाओ उद्धार हो जाएगा। हम किसी का बुरा नहीं मानते किसी को बुरा नहीं मानते किसी का बुरा नहीं चाहते फिर भी कोई दुखी हो जाए तो किसका क्या दुखी दूसरा दूसरा हमारे नहीं चाहते वो भी तो दूसरा दुखी हो गया तो हमारी कमी माननी चाहिए हमने कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया हमारी भूल हुई भूल को सुधार करो हमारे बर्ताव से कोई दुखी हो गया तो उससे तो माफी मांगो फिर अपनी भूल हो गई क्या भूल हो गई सुधार अपने सुधार होने सुधार होते चलेगा कोई गलती हो सुधार लो तो वो तो बुरा बेगा गीता में डायरी देख ली कितना देखो आप ले ली अब फालतू में मिलेगी हाँ तो फालतू समझ रहे इसे गीता दे रहे पंच साल है पंच साल देख ले तू दूसरे वर्ष तो ही कहा हो गया अरे फाड़ मैं थोड़ी कहता हूँ अब मैं क्यों फाड़ी मैं तो नहीं कहता तुम्हें फाड़ो मैं फाड़ी इस बात में कि अब देख तो लिया ही पंचांग है दूसरे वर्ष में क्या होता माहौल एक वर्ष में तो माहौल जब होता नहीं तो गीता डायरी एक वर्ष की है जिन्हें देख ली कोई पत्ता नहीं मिले तो उसको भी फाड़ दिया मुझे मेरे विचार सम्मति नहीं है अपने घर को गीता पाठ करो काम आवे कलकत्ते में सत्संग हुआ था तो गीता पाठ करने के लिए गीता नहीं मिली गोविंद भवन में तो पुरानी डायरी लाया डायरी लेकर बीती हुई बात है
तो डाले पड़ी जाए फाड़ने भी क्या काम आ जाए, तो फाड़न भी चाहिए कोई पुस्तक है फाड़ने जिसमें काम आ जाए। पर फायदा उनकी मर्जी है, स्वतंत्रता है, सबको कहते भजन करो नहीं करे तो आपने जबरदस्ती है, सब स्वतंत्र है। और तो गुरु तो लागे है, तो गुरु तो मैंने खुद ने बुराई घर छूटेगी, आप क्यों ब्राह्मण बुरा काम नहीं करना चाहिए, तो मैंने खुद सोचना चाहिए, आप भी सोचने से क्या होगा, आप सोचने से शिक्षा दो। हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा बुरा नहीं करे, तो ये भी ठीक नहीं है। तो आप भी ठीक है, बुरा ना करे, सभी भला हो जाओ, सभी भला भलाई भलाई हो, ऐसा रखो आपका भला होगा, इसमें संदेह नहीं है, एकदम सही बात। गोविंद गोपाल की जय हो, तो आज समय हो गया, थोड़ा सा ठीक कर दो, थोड़ी देर ठहरो, थोड़ा ठीक हो जाए, प्यार बिगड़ता है ना, हजारों लाखों रूपए लगा दे, 5-10 हजार रूपया बिगड़ जाता है, इतनी देर आप बैठे तीन लोग उठ गए तो प्यार बिगड़ा, मिल जाए 5-4 मिनट तक काम को ठंड है। प्रश्न नहीं, पहले से सावधान रहो, जीव मर जीव पड़े ही नहीं, स्वच्छता नियमता रखो, धान आदि जिसमें छाना की राख स्टार्ट करके राख मिला दो, तो राख मिला हुआ अन्न खराब नहीं होता, वह जीव नहीं पकड़े, ऐसा रखो, पहले सावधानी रखो, फिर जब मरिए रक्षा करो भाई, जहाँ तक मेरा रक्षा करो, अपनी नीयत अच्छी बनाओ, नीयत अच्छी बनाने पर सबका अच्छा कर दोगे, आपके हाथ की बात नहीं। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा बाघ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 14 जनवरी 1998 को दोपहर लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा फिनासर बीकानेर में हुआ। राम।